गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम नरेंद्र है। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल। ये होता क्या है बेसिकली? ये बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास इनडेफिनिट और दूसरा होता है हमारे पास डेफिनिट। दोनों सीखेंगे क्लास 12th में, दोनों का यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास आएगा इनडेफिनिट। तो आज हम लोग सीखेंगे इनडेफिनिट के बारे में। क्या डिफाइन कर सकता हूँ मैं इसको, तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए। The collection of all derivatives of a function is called indefinite इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा बच्चों? द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ, एफ मीन्स एक फंक्शन है, इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसका लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ये जो होता है इस चीज़ को हम बोल सकते हो इंटीग्रल साइन। ये जो f है एक फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम इंटीग्रल समझ रहे हैं तो हम इसके साथ साथ में हमें डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, मैं दो चीज़ें साथ में लिख के चलता हूँ। इस तरफ मैं लिख के चलता हूँ डिफरेंशियल। हम डिफरेंशिएशन में समझेंगे इस चीज़ को, बट अभी के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देंगे। और इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा? डिफरेंशियल, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल। देखो पहले की तरफ शुरुआत करते हैं, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे, ठीक है? जो पहला है हमारे पास, तो हम डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन है, ठीक है? तो इसका अगर डिफरेंशिएशन बात करें तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इंटीग्रेशन में बात करूं फर्स्ट की, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी ऑफ एक्स, ये होता है हमारे पास एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? जैसे मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास x की पावर 5 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ तो d डिवाइडेड बाई डी ऑफ x, x की पावर 5, तो जो हमारे पास 5 है वो n की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 x की पावर 5 माइनस 1, यानी कि मैं आंसर लिख सकता हूँ 5 एक्स की पावर 4, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखूँ, एक्स की पावर, अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा एक्स की पावर हमारे पास 5 इंटू डी ऑफ एक्स,
तो इसका आंसर बनेगा एक्स की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 1। यानी कि हम देखते हैं कि एक्स की पावर हमारे बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई हमारे पास बनेगा 6। लेकिन इसके रिवर्स में अगर मैं इस चीज़ का एक चीज़ और पहले मैं समझ लूँ, यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं फिर इसको आगे की तरफ समझाता हूँ मैं। अगर मैं दूसरा हमारे पास है कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, कोई भी क्या कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है ए का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये ज़ीरो हो जाएगा वेयर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो ज़ीरो होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं किसी भी इंटीग्रेशन में किसी भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एक्स। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं, जो क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा था, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझेंगे हम, और कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँ आप लोगों के लिए, मैं बनाने की कोशिश करूँ, किस चीज़ के लिए मैं बनाने की कोशिश करूँ, 5 x की पावर 4 × d(x). तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर होगा x की पावर 4 × d(x). इसको हम लोग फार्मूले के हिसाब से पुट करेंगे तो 5 तो है ही है, मल्टीप्लाइड का सिंबल लग जाएगा x। इस x की पावर हो जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा 5 x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीज़ इस क्वेश्चन का क्या था बेटा, इस क्वेश्चन का जो चीज़ आंसर था, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, तो इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं इस आंसर को मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इस आंसर को मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रेट किया, इस आंसर को मैंने इंटीग्रेट किया, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या आ गया बेटा, उस आंसर का क्वेश्चन आ गया। तो हमने इसीलिए लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि जिस जो चीज़ हमारे पास डिफरेंशिएशन में आंसर होता है, अगर मैं उसी चीज़ का इंटीग्रल कर दूँ तो हमारे पास अगेन डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आओ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फार्मूले की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड फार्मूला है हमारे पास क्या बच्चों, ई की पावर एक्स का। तो अगर मैं डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ई की पावर एक्स से मिलता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर मैं इंटीग्रल करता हूँ ई की पावर एक्स का तो यहाँ पर ई की पावर एक्स हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक नोट में आपको चीज़ें समझा देता हूँ मैं, नोट में कि यहाँ पर अगर कभी भी e की पावर माइनस मान लो दिया है, x दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर, या और कुछ बच्चों को यहाँ से भी समझा देता हूँ, अगर e की पावर हमारे पास ax दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ को आप समझ के चलो जिससे बाद में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर e की पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, e की पावर माइनस एक्स, और जो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसकी जगह हमारे पास माइनस वन हो जाएगा कि वन लिखा हुआ है। तो आप ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा ई की पावर माइनस एक्स, आप इसका आंसर ये भी समझ सकते हैं प्लस का सी। तो यहाँ पर मैं प्लस का सी नहीं लगाया हूँ, तो यहाँ पर प्लस का सी, ठीक है, इसकी जगह में भी प्लस का सी यहाँ पर लगा देता हूँ। प्लस का सी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी आपको इस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई की पावर ए एक्स, और ये ए नीचे की तरफ लिखा जाएगा जिसके एक्स के वेरिएबल में कोफिशेंट रहेगा, और प्लस का सी। तो आपको ये भी याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो फोर्थ वन की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास फोर्थ वन है कि डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, अगर मैं लॉग बेस में ई और एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास होता है 1 / x। यहीं पर अगर मैं समझूंगा इंटीग्रेशन के लिए, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, 1 x / d(x). तो इसकी जगह हो जाएगा बेटा क्या, लॉग बेस में ई और एक्स और प्लस का सी।
फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है बच्चों, ए की पावर एक्स लॉग ई ए। कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि सर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी आपके लिए लॉग अच्छे से आता है आपको, तो आप इसको समझ सकते हो। मैं देखो समझाने की कोशिश करूँगा आपको, लेट मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं लेट मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, वाई इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ ए की पावर एक्स, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जैसे मैं लॉग ले लूँगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा लॉग ई वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग ई ए की पावर एक्स। तो देखो यहाँ पर हमें पता होता है कि अगर लॉग ई एम की पावर एन लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं एन लॉग ई एम। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँ यहाँ पर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ लॉग ई वाई, इसको लिख सकता हूँ एक्स लॉग ई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा वन पार्शियल, तो वन बाई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा यहाँ पर। जब हम डिफरेंशिएशन समझाएंगे आपको, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में स्टडी करवाएंगे, तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको नॉर्मल समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर, सॉरी एक चीज़ गलत लिखी हुई है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके लिए ए। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को पहले की तरफ लिख दूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dx dx का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा dx। हमें चाहिए क्या होता है डिफरेंशिएशन के लिए, dy डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स, तो हम 1 डिवाइडेड बाई वाई, हमने dx को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, डिवाइड में चला गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा क्या log e a बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए तो d डिवाइडेड बाई डी एफ एक्स चाहिए, हम क्या करेंगे y को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो log e बेस में a। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम देखते हैं y की जगह क्या था हमारे पास, a की पावर x था, यहाँ पर भी a की पावर x, तो हमारा क्या फार्मूला बना, e a बना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से इसका फार्मूला बनेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में दी हुई हो, तो इंटीग्रेशन में देखो कैसे समझेंगे, तो हम फिफ्थ वाला इंटीग्रेशन समझेंगे। तो फिफ्थ वाला अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो फिफ्थ हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ए की पावर एक्स, और अगर हमारे पास लॉग ई ए दिया हो और यहाँ पर डी एक्स लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स और प्लस का सी। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे देते नहीं, आपके लिए क्या करेंगे, आपके लिए जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ए की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग ऊपर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, तो ए की पावर एक्स, तो हम क्या करेंगे लॉग ई ऊपर मल्टीप्लाइड और लॉग ई ए नीचे भी, और यहाँ पर डी ऑफ एक्स। इससे क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, वन डिवाइडेड बाई लॉग ई को बाहर लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ए ऑफ एक्स लॉग ई ए इंटू डी ऑफ एक्स। जब इसको आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई ए और प्लस का सी। तो हमने देखा कि हमारे पास ए एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आया बेटा, ए की पावर एक्स और डिवाइडेड में लॉग ई ए और प्लस का सी। चार चीजें हो गई, कुछ छूट तो नहीं रहा हमारे पास, चलो नहीं कुछ भी नहीं छूट रहा, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। और समझ के चलते हैं, हमारे पास फिफ्थ हो गया, सिक्स वन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास
डिफरेंशिएशन हो डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, दो चीज़ें लिखी हो हमारे पास, वन हो एंड टू। वन एंड टू यानी कि मीन्स क्या है बेटा, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। मीन्स वन एंड टू का मतलब, वन मीन्स दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड मीन्स सेकेंड वेरिएबल। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इनमें से किसी का भी जो आपको अच्छा लगे, तो वन को कॉमन लेंगे, तो डी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स, सेकेंड वाले का हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर सेकेंड वाले का हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट वाले का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका, इस चीज़ का। हालांकि मैं आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको ये भी समझ में आए। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, इस पैटर्न को समझाने के लिए। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स है, वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स है, और साइन का एक्स है। तो हम यहाँ पर अभी साइन का एक्स ना लेके, हम आपके लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं समझाया है, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स है, एक्स की पावर फोर है, और लॉग ई एक्स है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये के फर्स्ट वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेकंड वेरिएबल है। तो आप देखते हो दो टाइप का, इसके लिए कोई है नहीं, तो इसके लिए हम अगेन वही फार्मूला करेंगे, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक्स की पावर फोर को कॉमन ले लोगे, तो डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, लॉग ई एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, लॉग ई एक्स को आप कॉमन ले लोगे, तो डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर फोर को आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स की पावर फोर आ गया। अब आपको पता है कि लॉग ई एक्स का क्या हो जाता है, वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लॉग ई एक्स तो है ही है, जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दिया, और एक्स की पावर फोर का हो जाएगा हमारे पास फोर एक्स की पावर थ्री। अब एक पावर से एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ पावर थ्री बचेगा, तो हम लिखेंगे एक्स की पावर थ्री प्लस इस फोर एक्स की पावर थ्री को पहले लिख लेंगे लॉग ए एक्स। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स की पावर थ्री का कॉमन ले लें, तो वन प्लस फोर लॉग ई एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि हमारे पास सिक्स नंबर का इंट्रीगेशन में भी सेम चीज़ होती है कि अगर वन एंड टू का हमारे पास क्या है बेटा, इंट्रीगेशन है, तो हम इसको इसको बोलते हैं बाई पार्ट्स। क्या बोलते हैं, बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स इंट्रीग्रेशन। इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये कब यूज़ होगा ये भी आपको हम समझाएंगे, बट आगे समझाएंगे, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद समझाएंगे, ठीक है। वन को अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो हम सेकंड वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको हमने कॉमन लिया है बेटा, उस चीज़ का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन जिस वाले का हमने डिफरेंशिएशन किया है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगेन क्या कर देंगे, टोटल का हम कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ये फार्मूला होता है, बहुत ही काम का फार्मूला है, ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और सेवेंथ समझते हैं, सेवेंथ क्या कहता है कि अगर डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स है और वन डिवाइडेड बाई सेकेंड है, यानी कि यहाँ पर पहला वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सेकंड का कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस फर्स्ट का कॉमन ले लेंगे, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, सेकेंड का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और नीचे वाले का टू कुछ नहीं करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन जब बात आएगी हमारे पास किस चीज़ के लिए बेटा, इंट्रीगल के लिए, अगर इंट्रीगल में वन डिवाइडेड बाई टू है इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं होता, नो फार्मूला, यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है, उस लॉजिक का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन।
तो हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा अगर नीचे, तो इस नीचे वाले को हम वाई मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये भी मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री समझाने के बाद। तो आगे की तरफ चलते हैं, अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहां से मैं लिख देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला जो है हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन देखो, फर्स्ट वाला डी डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स। तो अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो ये बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वन किस चीज़ के लिए, मैं साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस का हो जाएगा बेटा कितना, सी। दूसरी तरफ देखो, अगर दूसरा वाला देखूँ मैं डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है बेटा क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। लेकिन यही मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पर साइन का तो हो चुका है, कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा क्या, प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। थर्ड वन की तरफ रहते हैं बेटा, थर्ड वन है कि हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, हम बात करें किस चीज़ के लिए, सेक एक्स के लिए। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो अगर यहाँ पर कुछ मिलेगा हमें इस तरीके से, देखो सेक एक्स का यहाँ पर कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ इस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इस चीज़ का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा क्या चीज़, इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। हम सेक एक्स का भी समझेंगे, अभी नीचे आपको समझाएंगे जिस जिस आइडेंटिटी का हमारे पास नहीं होगा उन सारी आइडेंटिटीज़ के लिए मैं भी आपको निकाल के दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आगे की तरफ बस देखते रहिए। फोर्थ वन है, अगर डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स है, हमारे पास क्या है बेटा टेन एक्स है, तो हमारे पास टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर्थ वन, तो फोर्थ वन अगर हमारे पास लिखा होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इस चीज़ का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टेन एक्स और प्लस का सी। फिफ्थ वन समझते हैं कि अगर हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स है, हमारे पास क्या चीज़ बचा बच्चों, कॉट एक्स बचा, तो कॉट एक्स का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ लिखा हुआ मिले मुझे इंटीग्रेशन में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इस चीज़ का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी। अगेन समझते हैं लास्ट वन, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, अगर यहाँ पर हमें दिखे कि हमारे पास कोसेक एक्स है, और कोसेक एक्स का पता है कि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ मिले इंटीग्रेशन में कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों क्या चीज़ कि माइनस का कोसेक एक्स और प्लस का सी। अब देखो किस किस आइडेंटिटी के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, देखो साइन कॉस को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ का हुआ नहीं है, तो हम समझेंगे सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, तो सेवेंथ वन हमारे पास है इंटीग्रेशन के लिए, हम सबसे पहले देखेंगे सेक एक्स के लिए। तो सेक एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, देखो सेक एक्स को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, वन डिवाइडेड बाई कॉस लिख देते हैं बहुत से बच्चे, बट वन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे नहीं, ठीक है, हम क्या करेंगे इसका देखो लॉजिक समझेंगे, ठीक है, हम इसका लॉजिक समझेंगे। तो बच्चों इसको लॉजिक से बनाएंगे, तो आप लोग लॉजिक समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, sec x है यहाँ पर, हम sec x प्लस tan x और डिवाइडेड में भी क्या करेंगे बेटा sec x प्लस tan x। ऊपर नीचे हमने क्या किया, sec x प्लस tan x से क्या करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते चलेंगे, ठीक है।
आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 6 से 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और 6 से 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, sec एक्स इंटू 10x। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखो यहाँ पर जैसा लिखा है sec एक्स प्लस 10x, तो हम sec एक्स प्लस 10x हमने लिख दिया, इंटू का देखो इसको ऐसा लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर आपको डी ऑफ एक्स लिख लेना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा। अब हमारे पास, मैंने सिखाया है आपको कि अगर हमारे पास क्या हो बेटा, 1/2 हो, क्या हो, 1/2 हो, तो यहाँ पर किस चीज़ का मेथड काम आता है, हमारे पास किस चीज़ का मेथड काम आता है, हमारे पास काम आता है बेटा क्या, सब्स्टिट्यूशनल का। और समझते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो हम लोग ले लेते हैं बेटा क्या कि लेट sec x प्लस 10x इज इक्वल टू y, हमने ऐसा मान लिया। हम इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, और यहाँ पर एक dx मल्टीप्लाइड हो जाएगा प्लस, जब हम tan का करेंगे तो हमारे पास tan का पता क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल में कितना बेटा, डी ऑफ वाई, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं डी एक्स का, तो sec x इंटू 10 ऑफ x प्लस sec स्क्वायर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स का कॉमन हो गया, तो यहाँ पर डी ऑफ वाई। अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देखो, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस 10 स्क्वायर x, और आप ऊपर देखते हो तो ऊपर भी सेम यही चीज़ लिखी हुई, यहाँ पर देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये चीज़ सेम यही चीज़ लिखी हुई है, तो इस चीज़ की कंप्लीट की जगह बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट की जगह हम लोग लिख सकते हैं आगे की तरफ, हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी ऑफ वाई, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, इसको हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था इस वाले को, देखो यहाँ पर हमने वाई माना है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे वाई, तो इसका पता है हमें कितना हो जाएगा बेटा, 1/y का यहाँ हो जाएगा लॉग वाई, और प्लस का बेटा कितना, सी। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, लॉग ई, और वाई की जगह बेटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और प्लस का बेटा कितना, 10 ऑफ x, और यहाँ पर क्या, प्लस का सी। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा क्या आंसर आया, इस सेक एक्स का और डी एक्स का हमारा आंसर आया लॉग ई, और बेटा कितना, sec x, और प्लस का बेटा कितना, 10 ऑफ x, और बेटा कितना, प्लस का सी। तो आपको याद रखना है कि sec x के लिए हमारे पास क्या बना, लॉग ई sec x प्लस 10 x। आगे की तरफ चलते हैं, 8th नंबर के लिए, एट्थ नंबर के लिए देखते हैं हम लोग, एट्थ नंबर में क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग टेन का भी निकाल लेते हैं, यहाँ देखो 10x इंटू डी ऑफ एक्स है, तो टेन को देखो, टेन को बनाने के लिए क्या लॉजिक काम करेगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, टेन को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे बाद में आंसर लिख दूंगा इसकी जगह, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इस टेन की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं टेन की जगह लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और इंटू का यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये समझ के चलेंगे कि यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो लेट देखो अगेन यहाँ पर 1/2 वाली प्रॉपर्टी है, 1/2 का, तो इसके लिए हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लेट हम मान लेते हैं बेटा कि क्या हमारे पास कॉस एक्स इक्वल टू वाई है, देखो इस कॉस एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेटा, तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा, डी ऑफ वाई। ध्यान से देखो किसकी जगह हमारे पास बस माइनस, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी वाई इधर लिख देते हैं, तो इसकी जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं। जब इसकी जगह डी वाई लिख सकते हैं, तो आप देखते हो बच्चा कि हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमारे पास डी वाई हो गया, वो भी निगेटिव का, और कॉस एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे बेटा, वाई ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो 1/y इंटू डी ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है, तो 1/y dy। तो देखो इसको जब करेंगे तो माइनस का 1, इसको 1 लिख लेते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर हो जाएगा log y और प्लस का c। तो देखो जब माइनस का 1 है, तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि हम इस क्वेश्चन को बना कैसे सकते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो log e
और यहाँ पर वाई, ये जब ऊपर चला जाएगा तो वाई की पावर -1 हो जाएगा प्लस का सी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि हमारे पास क्या हो, एन लॉग अगर एम हो तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ई की पावर एम, सॉरी लॉग ई एम की पावर एन, ये प्रॉपर्टी लगाई तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लॉग ई 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस का सी। अब वाई की जगह हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो वाई की जगह अगर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें बेटा, तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा हमारे पास, लॉग ई और 1 बाई वाई की जगह हो जाएगा 1 बाई कितना बेटा कॉस एक्स और प्लस का सी, और 1 बाई कॉस एक्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ई, इसकी जगह लिख सकते हैं सेक एक्स और प्लस का सी। तो हमने देखा बच्चों कि हमारे पास क्या टेन एक्स डी एक्स का जो हमारा आंसर आया, तो हम क्या लिख सकते हैं उस आंसर को लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि आंसर हमारे पास क्या आया लॉग ई सेक एक्स और प्लस का सी। ठीक है, और नेक्स्ट वन की तरफ आगे की तरफ चलते हैं हम लोग चलते हैं नाइन्थ वन। तो नाइन्थ वन हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास बच गया इसी की जगह कॉट एक्स है इंटू डी ऑफ एक्स। देखो सेम पैटर्न पे इसको भी वही इसी तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं इस चीज़ को क्या कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको समझ में ही आ गया हो कि 1 डिवाइडेड बाई 2 का पैटर्न चल रहा है, तो अगेन यहाँ पर लेट ले लेते हैं कि साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और इसकी जगह डी ऑफ वाई। देखो कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी वाई, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे की तरफ लिखेंगे तो इसकी जगह डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अब ये हो जाएगा लॉग ई वाई प्लस सी, और मैं वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा लॉग ई, और वाई की जगह देखो क्या माना है बेटा हमने साइन एक्स माना है, तो साइन एक्स प्लस का सी। तो हमने देखा कॉट एक्स के लिए क्या आंसर आया बेटा हमारे पास लॉग ई, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या साइन एक्स प्लस सी। चलो हमारे पास हम चलते हैं बेटा टेंथ वन की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ है हमारे पास बेटा टेंथ वन। हमारे पास क्या है टेंथ वन है हमारे पास कोटेक, सॉरी कोसेक, कोटेक बोल दिया मैंने आपको, कोसेक एक्स ठीक है डी एक्स। ठीक है बच्चों आप समझ के चलना, मेरी गलतियों को थोड़ा देखते रहना। और देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक होती है, ट्रिक या नोट या लॉजिक जो भी आप समझना चाहते हो उसके हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है सॉरी, तो क्या कहती है ट्रिक, ट्रिक ये बोलती है कि अगर इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, देखो यहां पर तो मैं आंसर लिखूंगा बाद में, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखते हैं। ठीक है तो बनाने का तरीका ये कहता है कि हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने कोसेक के लिए सेक के लिए किया था वैसे हम कोसेक के लिए भी बनाएंगे। तो कोसेक एक्स में क्या करते हैं हम लोग कोसेक एक्स और प्लस बेटा क्या करते हैं कॉट एक्स से हम लोग ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर डी ऑफ एक्स थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का बेटा कितना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा जैसा लिखा है वैसा लिख देना है हमें, हमें लिखना है कोसेक एक्स सॉरी और प्लस का लिखना है बेटा कॉट एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देना ऊपर की तरफ हमारे पास डी ऑफ एक्स। देखो अगेन देखो यहाँ पर सब्सिट्यूशन ही काम करेगा, सब्सिट्यूशन काम करेगा तो उसको भी लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे लेट हम क्या करेंगे बेटा सॉरी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू हमने मान लिया वाई। अब देखो आपको करना क्या है, जब कोसेक एक्स का करोगे तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो भी निगेटिव का, इसलिए लगा दिया यहाँ पर डी ऑफ एक्स, और कॉट का होता है बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी ऑफ एक्स इज इक्वल में कितना डी ऑफ वाई। देखो माइनस का ले लेते हैं कॉमन और डी एक्स, तो हमने देखा कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी ऑफ एक्स लिख देते हैं डी ऑफ वाई। अगर मैं माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो देखो हमारे पास क्या बनेगा बेटा कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का डी ऑफ वाई। ठीक है
देखो इसकी जगह हम लोग देखो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर ये देखो सेम यही चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अगेन देखो यहाँ पर, ठीक है। तो हम वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे और देखते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास। तो हम देखते हैं बच्चों के सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनेगा, माइनस का डी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई, इसको आगे की तरफ करोगे तो माइनस का ले लेते हैं कॉमन, तो वन कॉमन हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई कितना वाई इंटू डी ऑफ वाई, इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा हम लोग कितना वन बाई वाई, यानी कि हो जाएगा हमारे पास माइनस कितना लॉग ई वाई और प्लस का सी। अगर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका, देखो थोड़ा समझ के रखना, अगेन वही लॉजिक काम करेगा, माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग ई वाई प्लस का सी, ये अगेन ऊपर चला जाएगा इसके एक स्टेप आगे की तरफ, अभी जस्ट सिखाया था आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई वाई कि यहाँ पर पावर माइनस वन हो जाएगा प्लस का सी, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा कितना लॉग ई वन डिवाइडेड बाई कितना वाई और प्लस का सी। देखो जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं और देखिए आप, अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम लोग देख तो वाई की जगह हमने क्या लिखा था बेटा, हमने वाई की जगह क्या लिखा था, हमने वाई की जगह लिखा था कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब बच्चों देखो जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कमज़ोर होगी वो बच्चे इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही लिख देंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा एडवांस होंगे, ये जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आती है, हालांकि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ 10th का भी करेंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। यहाँ पर देखो कि अगर हमें पता है कि हमारे पास एक चीज़ कि कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अगर मैं कॉट को इधर ट्रांसफ़र करूँ इस तरफ यह एक साइड में, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। देखो ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी और बच्चों क्या ए प्लस बी। देखो इसकी जगह लिखेंगे तो हमारे पास लिख सकते हैं ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस का बच्चों क्या कॉट एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू वन। तो वन की जगह हम ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, जब दोनों चीज़ें लिख सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी हमारी, आओ समझते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी वो बच्चों बनेगी हमारे पास क्या लॉग ई, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों क्या कोसेक एक्स प्लस का बच्चों क्या कॉट एक्स। और नीचे लिख सकते हैं बच्चों क्या हम लोग लिख सकते हैं कोसेक एक्स प्लस का बच्चों क्या कॉट एक्स ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं प्लस का सी। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कट गया, तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो क्या आया लॉग ई, और हमारा जो आंसर आया वो आया कोसेक एक्स माइनस का बच्चों क्या कॉट एक्स और प्लस का सी। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बना बच्चों, हमारा आंसर बना बच्चों क्या कोसेक एक्स, सॉरी मैंने पहले ही लिख दिया, हमारा आंसर बना बच्चों कितना लॉग ई, हमारा आंसर बचा कोसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स और प्लस का बच्चों क्या सी। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हमारा पास ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ नहीं होगा। अगर आपने इतना सीख लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बना सकते हो। और चलो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, तो आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा देता हूँ, फिर एक आपको एडवांस का क्वेश्चन करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चीज़ें और सिखाऊंगा डिटेल में। तो पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो फर्स्ट वन है बेटा क्या हमारे पास, फर्स्ट वन है
डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। मान लो कि हमें इसका पता ही नहीं आंसर क्या होता है, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीख लेता हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। तो अगेन देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, लेट ले लेंगे हम। मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, अगर साइन इस तरफ आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, एक्स डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों क्या, कॉस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई, और इसकी जगह हो जाएगा डी ऑफ एक्स। देखो यहाँ लिखा जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में कॉस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स तो मुझे चाहिए ही, तो डी एक्स को नीचे ला लेते हैं तो यहाँ पर कितना वन। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा तो डी एक्स ये बनेगा कितना बेटा, वन डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ वाई। और हमें एक चीज़ पता है कि हमें कॉस के लिए तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो साइन की वैल्यू पता है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा वन डिवाइडेड बाई कितना, रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। नेक्स्ट स्टेप डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। मैं वैल्यू को सब्सिट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों। कुछ टाइम के बाद आप फेमिलियर हो जाओगे मेरे वर्डों से, तो टेंशन ना लो। वाई की जगह हमारे पास क्या है बेटा, वाई की जगह हमने माना था क्या, साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा क्या हमारे पास फार्मूला बना, हमारे पास फार्मूला बना बच्चों वन डिवाइडेड बाई रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो जब आपको इंटीग्रेशन करना मिलेगा तो इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा हुआ आएगा बच्चों, ठीक है, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से मिलेगा, वन डिवाइडेड बाई रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट लिखना है आपको कि हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। और एक चीज़ और बच्चों, यहाँ से मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब एडवांस के क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा एडवांस टाइप के। यहाँ पर देखो एक्स को ऑलवेज जो सब्सिट्यूट कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप लोग, साइन थीटा सब्सिट्यूट कर सकते हो। तो अगर आपको ये सब्सिट्यूशन मेथड सीख लोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना पाओगे। आओ आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, सेकेंड वन। देखो सेकेंड है हमारे पास क्या बच्चों, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, और हम लिखते हैं कि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स। देखो इसको भी आप सीख लो, इसको भी कैसे बनाओगे। अगेन देखो मान लो कि मुझे आंसर पता ही नहीं है, तो लेट मैं सेम प्रोसेस करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जब कॉस इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा कॉस वाई, और कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स। दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो अब देखो यहाँ पर बस एक चीज़ अलग हो जाएगी, ये होता है साइन इन साइन एक्स इंटू सॉरी ये हो जाएगा बच्चों क्या, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, साइन वाई, और इसकी जगह कितना हो जाएगा डी ऑफ वाई, और यहाँ पर डी ऑफ एक्स। देखो अभी हम एक काम करेंगे, माइनस को इधर ही लिखा रहने देंगे, तो साइन वाई यहाँ पर डी वाई, और ये डी एक्स इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर वन। तो मुझे चाहिए क्या, डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स चाहिए। अभी मैं माइनस को इधर ही रखता हूँ, तो हमारे पास वन डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, ये आ गया साइन ऑफ वाई। अब मैं माइनस को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो हम लिखेंगे बेटा कितना, डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल में माइनस का वन डिवाइडेड। अब साइन वाई की वैल्यू चाहिए नहीं, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस का कितना, रूट में कॉस स्क्वायर वाई। अब देखो मैं वैल्यू को सब्सिट्यूट करता हूँ, तो जब मैं वैल्यू को सब्सिट्यूट करूँगा तो डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, वाई की जगह बेटा क्या हुआ हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना, रूट में हमारे पास वन माइनस, और कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू बेटा कितना, एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का जो आया वो कितना आया हमारे पास, डिफरेंशिएशन रूट में वन माइनस एक्स। देखो सेम ही है, बस यहाँ पर सिंबल क्या है, नेगेटिव है। तो जब आपको इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ मिलेगा, वन डिवाइडेड बाई ऐसा लिखा मिलेगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कितना बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का सी। और थर्ड वन की तरफ चलते हैं हम लोग, थर्ड है हमारे पास क्या बच्चों, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, ये है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का भी समझते हैं, मान लो कि इसका भी मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको भी निकालते कैसे, तो लेट ले लेंगे हम लोग क्या, कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, वाई। अब देखो इधर ट्रांसफ़र होके जाएगा टेन, तो एक्स इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, टेन ऑफ वाई।
ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन टेन का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है बेटा अभी जैसे सिखाया था सिक्स स्क्वायर वाई इंटू डी ऑफ वाई। देखो हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए क्या, डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स चाहिए। देखो आप सिक को इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं बेटा कितना, वन डिवाइडेड बाई कितना सिक स्क्वायर वाई, ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। अब देखो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो हम लिख सकते हैं सिक को क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस का टेन स्क्वायर वाई, और यहाँ पर बच्चों क्या डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स इंटू डी वाई। अब देखो मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करूँगा, जब मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करूँगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर वाई की जगह में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, और वाई की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, वाई की जगह बच्चों हो जाएगा कितना टेन इनवर्स एक्स। तो हमने देखा कि टेन इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास क्या आया बेटा डिफरेंशिएशन, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब आपको इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा लिखा मिलेगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। लेकिन जब आपको कुछ क्वेश्चन एडवांस में बनाने होंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे तो एक्स की जगह जो आप सब्सटीट्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको याद रखना है। चलो फोर्थ वन की तरफ आगे की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ वन है बच्चों हमारे पास क्या बच गया, टेन के बाद हम डायरेक्ट कॉट का देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉट थीटा, कॉट सॉरी कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान लो मुझे पता नहीं है सॉरी। तो वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों, इसका मैं मान लेता हूँ कॉट इनवर्स एक्स। तो ये इसको देखो तो यहाँ पर जब ये ट्रांसफर होके आएगा तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना कॉट वाई इज इक्वल टू कितना एक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कॉट का पता होता है कि कॉट का कितना होता है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर कितना बेटा, सॉरी वाई लिखा है तो वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर वाई, और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो अभी माइनस जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, डी वाई, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा, ये वन हो जाएगा आपका। तो आप जब इसको ऐसा लिखोगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, अभी निगेटिव का सिंबल इधर ही रहने दो, तो वन डिवाइडेड बाई कितना बेटा, ये हो जाएगा आपका कितना कोसेक स्क्वायर वाई। चलो आगे की तरफ लिखते हैं। तो देखो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, तो जब माइनस इधर चला जाएगा, और कोसेक को बेटा हम लिख सकते हैं वन प्लस कितना कॉट स्क्वायर वाई। देखो अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, वाई की जगह बेटा कितना कॉट इनवर्स एक्स, और माइनस का वन डिवाइडेड बाई कितना बेटा वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारा क्या आंसर आया कॉट इनवर्स एक्स के लिए, माइनस में वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में बच्चों कुछ इस तरीके से मिलता है माइनस में वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा क्या कॉट इनवर्स एक्स और प्लस का सी। चलो आगे की तरफ देखते हैं फिफ्थ और सिक्स। चलो फिफ्थ वन की तरफ हम लोग देखते हैं। फिफ्थ में है बेटा हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पर है सेक इनवर्स एक्स। देखो इसका भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देखो निकालने का प्रोसेस सेम है, बस आप लोग को ध्यान समझना है वाई इज इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। देखो इधर हमारे पास सेक आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चों सेक वाई हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो सेक का होता है पता है हमें कितना सेक वाई इंटू बेटा कितना सॉरी यहाँ पर कॉट लिख गया, यहाँ पर हमारे पास होता है बच्चों कितना टेन वाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसके साथ में डी ऑफ सॉरी यहाँ पर डी ऑफ वाई इक्वल टू कितना बेटा डी ऑफ एक्स। देखो जैसा लिखा है एक स्टेप और ऐसा आपको लिखा रहने देना जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स इधर ही रहेगा, ये वन इधर आएगा, और वन के नीचे क्या चला जाएगा बेटा सेक वाई इंटू टेन वाई आ जाएगा। अब देखिए सेक की वैल्यू तो हमें पता है कि सेक वाई की वैल्यू एक्स है, लेकिन हमें टेन की वैल्यू नहीं पता, तो एक थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई सेक जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, और हमें पता है कि टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर वाई माइनस का वन। अब वैल्यू को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स और वाई की जगह सेक इनवर्स एक्स, और सेक वाई की जगह बच्चों क्या एक्स, और यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन।
तो हमने देखा बच्चों कि sec इनवर्स x का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया ये वह कितना है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप बच्चों कभी भी इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिले 1 डिवाइडेड बाई एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो sec इनवर्स एक्स और प्लस का सी। आपको याद रखना जब भी इस तरीके से पैटर्न मिलेगा तो एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो sec थीटा, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6-1 की तरफ चलते हैं हम लोग। सिक्स वन हमारे पास क्या है बच्चों, 6-1 है हमारे पास, जो लास्ट में बच गया हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, हमारे पास बच्चों बच गया है कोसेक इनवर्स एक्स इंटू। ठीक है, इसको भी देखो, इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट अगेन क्या करेंगे, वाई इक्वल टू बेटा कितना ले लेंगे हम लोग सेम पैटर्न पे, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इधर ट्रांसफर होके आएगा, तो ये बनेगा बेटा क्या हमारे पास कोसेक वाई इंटू डी ऑफ वाई, और ये सॉरी ये हो जाएगा कोसेक वाई इक्वल टू बेटा कितना एक्स। अब जब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक वाई इंटू बेटा कितना कॉट वाई टू डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी डी ऑफ वाई लिखा जाएगा। देखो तो हमें जैसा चाहिए वैसा कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बेटा कितना कोसेक वाई इंटू अ कॉट वाई, और यहाँ पर डी वाई, इस डी एक्स को नीचे ला लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1। अगेन देखो एक स्टेप वही, तो यहाँ पर माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स लिखा रहने देंगे, यहाँ पर 1 डिवाइडेड में कितना चला जाएगा बच्चों हमारे पास, ये चला जाएगा कोसेक वाई इंटू अ कॉट वाई। ठीक है, अब निगेटिव को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, जब निगेटिव को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो जाएगा हमारे पास, डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना, देखो कोसेक की वैल्यू तो हमें पता ही है लेकिन कॉट की नहीं पता, तो इसको देखो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर सॉरी वाई हो जाएगा, एक्स मुझे याद आ जाता है। देखो वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे तो वाई की जगह हमारे पास क्या है बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स है माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो इस कोसेक की जगह एक्स और इस कोसेक स्क्वायर की जगह बेटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो हमारे पास क्या आया बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया निगेटिव में, कितना एक्स इंटू कितना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको कभी इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके से मिले बच्चों माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो बच्चों क्या कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बस मैं आपको एडवांस क्लास सिखाऊंगा, ठीक है एक पैटर्न बस, ठीक है इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, तो बस एक क्वेश्चन मैं आपको बस खाली ऐसे ही डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन है, जब भी आपको कभी इस तरीके से इंटीग्रेशन मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिला है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सिखाऊंगा और बाई पार्ट्स भी, जिससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बाई पार्ट्स समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या समझाने के लिए बता रहा हूँ बाई पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए, मैं एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर, तो अगर रूट के अंदर हमें कुछ ऐसा लिखा हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है तो हमें पता है क्या होता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दो ही आइडेंटिटी है। तो हम इस x की जगह बच्चों क्या ले लेते हैं, x की जगह मैं मान लेता हूँ a और कितना बच्चों tan थीटा। ठीक है, इससे इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर और लिखता हूँ, तो ये dx कितना हो जाएगा बेटा, a तो कांस्टेंट है बाहर, और इस tan थीटा का होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आओ इसको आगे की तरफ लिखते हैं, जब यहाँ पर सब्सिट्यूट कर, देखो सब्सिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक वेरिएबल को, देखो एक्स का वेरिएबल था तो यहाँ पर डी एक्स के वेरिएबल को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता होगा, अगर कोई बच्चा कोई स्पोर्ट खेलता होगा देखता होगा, अगर कभी कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह उसी वेराइटी का या उसी टाइप का दूसरा प्लेयर लाया जाता है, जैसे कोई हमारे पास कीपर इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह कीपर को ही सब्सिट्यूट किया जाता है, किसी और को नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे dx था, एक वेरिएबल था, आपने देखा इस वेरिएबल को मैंने क्या किया दूसरे वेरिएबल में कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया,
तो आओ इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन तो कर ही दिया हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ रूट। देखो रूट में हमारे पास क्या एक्स की जगह बेटा क्या ए, और कितना हमारे पास टेन थीटा, और इसका होल स्क्वायर प्लस कितना बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, इस डीएक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस डीएक्स की जगह हमारे पास हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आईएमपी भी है आप लोगों के लिए, बस इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जिसको सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों जब एक स्टेप लिखोगे, देखो आप लोग ए स्क्वायर का ले सकते हो कॉमन, क्या ले सकते हो ए स्क्वायर का ले सकते हो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का वन ए, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा तो ये क्या बनेगा बेटा, रूट में देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसकी जगह बेटा क्या हो सकता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है ए, और यहाँ पर क्या बचा बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको रूट से बाहर लिख लेता हूँ, तो जब मैं रूट से बाहर लिखूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर क्या बचेगा सेक थीटा इंटू ए, और यहाँ पर बच्चों क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या बन गया क्वेश्चन, ए स्क्वायर और सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, तो हमने देखा क्वेश्चन क्या बना, अगर मैं ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन बना सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। देखो इस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि इस चीज़ का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखो इसके लिए कोई फार्मूला होता नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा साइड में, ए स्क्वायर और हमारे पास क्या बच्चों सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान समझ के चलना आप लोग, देखो तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझ में आया कि जो इसके पहले लिखा है, देखो क्यूब में कोई हमारे पास फार्मूला होता नहीं, स्क्वायर में फार्मूला होता है, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, एक बना लेते हैं सेक थीटा और एक हमारे पास सेक का स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूट, यहाँ से हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बाई पार्ट्स। आओ आगे की तरफ करते हैं बच्चों, देखो ए स्क्वायर को ऐसा लिख लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों सेक थीटा को हम लोग ऐसा कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, माइनस जैसा कि हमने सीखा है डी डिवाइडेड बाई डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, जिस चीज़ का कॉमन लिया सेक थीटा का उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया, और अगेन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया, और होल का हमने क्या कर दिया बच्चों इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या मिला, ए स्क्वायर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास जो, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे उसमें लिखता हूँ पेन में, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास होता है बच्चों क्या इंटीग्रेशन, ये होता है टेन थीटा। माइनस देखो यहाँ पर इस चीज़ का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा का बच्चों क्या टेन थीटा, तो एक टेन थीटा और लिख दिया जाएगा इंटू डी थीटा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों कितना सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो देखो ये हो जाएगा बच्चों कितना माइनस हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अभी बच्चों एक एक स्टेप आप ध्यान से देखते रहना है आपको, ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा, जब इसको आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक सेक थीटा तो है ही है, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हो कितना बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है,
और आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम, तो इस चीज को लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर यहाँ पर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा बच्चों सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा माइनस सेक थीटा, अगर मुझे डी थीटा मैं बाद में लिखूंगा तो सेक थीटा, सेक का क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा, फिर से ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कितना बच्चों हमारे पास सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस माइनस बच्चों कितना प्लस, कितना हो जाएगा प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा और इंटू डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, जब मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो हमने देखा बच्चों ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों कितना सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो अगर ध्यान से ए स्क्वायर सेक का क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ पर क्यूब थीटा है, और आप लोग यहाँ पर देखते हो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर ये सेम चीज़ लिखी हुई, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसको मैं दूसरे पेन से जैसा लिखा था वैसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखा है ए स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, इस चीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो जब मैं ट्रांसफ़र करके लाऊंगा इसको, जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल में क्या बचेगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू बेटा कितना, सॉरी इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों क्या सेक थीटा इंटू डी थीटा। जब नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा सकता है टू ए स्क्वायर यहाँ पर सेक का क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और प्लस बच्चों कितना ए स्क्वायर, और इस चीज़ की प्रॉपर्टी पता है हमें कितना लॉग ई, और कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस का बच्चों कितना सी। देखो ये टू है तो यहाँ डिवाइडेड में है, तो इसको भी ले जाते हैं इधर, तो क्योंकि हमें चाहिए तो अल्टीमेटली सेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा इंटू ए, तो देखो टू को डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर बच्चों कितना सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ई बेस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस का सी। अब क्या करते हैं बच्चों, अब वैल्यू हम करते हैं सब्सिट्यूट। देखो अब बच्चों सब्सिट्यूट करने के लिए आपको फिर से यहाँ रिवर्स में आना पड़ेगा, थोड़ा सा आप रिवर्स में देख लो चीज़ों को। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है कि x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो हमने देखो लिया क्या है x इक्वल टू ए टेन थीटा लिया है, बहुत से बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो x डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बेटा कितना टेन थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू बेटा इतनी है x डिवाइडेड बाई ए है, तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू होगी रूट में कितना बेटा हमारे पास हो जाएगी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं वैल्यू को सब्सिट्यूट करूँ तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना बेटा, क्या लिख सकता हूँ वन प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वन बाई ए बाहर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से अगर आपको मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पर सब्सिट्यूशन, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखना स्टार्ट करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, इस सिक की जगह बेटा कितना हो जाएगा वैल्यू, अभी जस्ट सिखाया मैंने कि ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ए की ए बाहर में आ जाएगा, और यहाँ पर देखो टेन की जगह एक्स डिवाइडेड बाई ए बाहर आ गया ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर बच्चों अगेन देखो लॉग ई, इस सिक की जगह बेटा कितना एक्स बाई कितना सॉरी रूट में एक्स स्क्वायर सॉरी
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर बच्चों कितना एक्स बाई ए और प्लस का सी। देखो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर है, ये दो ए हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर बाई टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लॉग ई। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई होल में ए और प्लस का सी। देखो यहाँ पर लॉग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा दो स्टेप और आगे लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों कितना ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा लॉग ई। यहाँ पर लॉग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी लगाओगे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको एक बार ऐसे लिखा है वैसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ये वाला भी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग ई, क्योंकि मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए और प्लस का सी। देखो ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म टोटल क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, या इसको आप कंप्लीट सी भी मान सकते हो, जिसको जैसा लगे वैसा समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा कि ई कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू होगी 1 2 3, तो लॉग में अगर 1 2 3 की 4 की वैल्यू है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा कितना ए स्क्वायर बाई टू लॉग ई, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का सी। तो हमने देखा बच्चों कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, इसका इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आया, अब मैं इस बच्चों कहाँ लिख दूँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू डी ऑफ एक्स का, ये आया एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ई रूट में एक्स, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये रूट में यहीं तक है सिर्फ, और प्लस का सी। तो बच्चों ये है मेरा पहला वीडियो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कंबाइंड है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा, और मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा जो हमारे रिमेनिंग में बच गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।